नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेम्पायर हब डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आवश्यक सूचना, हमारे यूट्यूब चैनल पे गिव अवे चल रहा है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। लास्ट में एक सवाल आएगा जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं सरप्राइज गिफ्ट विनर। सरप्राइज गिफ्ट आपको मिलेगा हर सोमवार को क्योंकि हमारे चैनल पे वीकली गिव अवे चलता है। दोस्तों कैसे हो, आज हम बात करेंगे आज टॉप 6 गवर्नमेंट जॉब्स की जिसके लिए 10वीं पास के ऊपर सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेरा मतलब है 10वीं पास, 12वीं पास, ITI, डिप्लोमा, सारे ग्रेजुएट्स, PG डिग्री, MBA डिग्री, कोई भी डिग्री, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं 6 के 6 वैकेंसीज के बारे में। आप वीडियो को पूरा देखना, हो सकता है अगली वैकेंसी आपके लिए ही हो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहली वैकेंसी आई है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ वेस्टर्न रेलवे के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर अप्रेंटिसेस के पोस्ट हैं, टोटल वैकेंसी है 963। सैलरी मिलती है स्पेसिफाइड नहीं। क्वालिफिकेशन है 10वीं पास, ITI पास। आयु सीमा 15 से 24 साल। जॉब लोकेशन रहेगी हब्बली, कर्नाटका। ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन फीस है जनरल OBC के लिए 100 रुपये, SC ST वीमेन PWD के लिए फ्री है। सिलेक्शन बेस्ड होगा मेरिट पर, कोई एग्जाम नहीं होगा। अप्लाई मोड होगा ऑनलाइन और इस वैकेंसी को अप्लाई करने का डेट है 17 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी के बीच में। अप्लाई करने का लिंक स्क्रीन पे शो कर रहा है। दोस्तों अगली वैकेंसी आई है CSP SCL के डिपार्टमेंट से। ये बिजली विभाग की भर्ती है। पूरा नाम है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड और यहाँ पर पोस्ट है माइन मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, माइन सर्वेयर, ओवरमैन, फोरमैन, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, शॉर्ट फायरर एंड माइनिंग सरदार की। टोटल वैकेंसी 18 है। सैलरी मिलती है इसके लिए 37,674 रुपये से लेकर 41,418 रुपये तक, या फिर कुछ पोस्ट के लिए 65,637 रुपये है और कुछ पोस्ट के लिए 101,322 रुपये भी है। तो यहाँ पर आपको सारे पोस्ट के लिए सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा पास और आयु सीमा है 50 साल, 62 साल मैक्सिमम। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। जॉब लोकेशन रहेगी छत्तीसगढ़। अप्लीकेशन फीस यहाँ पर ऑल कैंडिडेट्स के लिए 1500, जो कि बहुत ज़्यादा ले रहे हैं ये लोग। और सिलेक्शन बेस्ड रिटर्न एग्जाम इंटरव्यू पर। अप्लाई मोड ऑफलाइन रहेगा। अप्लाई करने का डेट है 13 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी के बीच में। अप्लाई लिंक शो कर रहा है। दोस्तों अगली वैकेंसी आई है गुजरात हाई कोर्ट के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर स्टीनोग्राफर के 76 वैकेंसीज हैं। सैलरी मिलती है आपको 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये पर मंथ। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन की डिग्री, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। स्टीनोग्राफी का कोर्स किया होना चाहिए आपने। आयु सीमा है इसके लिए 21 से 40 साल। जॉब लोकेशन रहेगी गुजरात। अप्लीकेशन फीस SC ST EBC PH ESM के लिए 300 है। ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये है। अगर गुजरात के अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो उन्हें 600 रुपये अप्लीकेशन फीस देना होगा। सिलेक्शन बेस्ड है रिटर्न टेस्ट, वाइवा वॉइस टेस्ट पर। अप्लाई मोड ऑनलाइन है। अप्लाई करने का डेट है 17 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में। एग्जाम होगा 10 मार्च को आपका और अप्लाई करने का लिंक शो कर रहा है। दोस्तों अगली वैकेंसी आई है APPSC के डिपार्टमेंट से, यानी कि आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर पोस्ट है हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के। टोटल वैकेंसी 39 है। सैलरी मिलती है 35,120 रुपये से लेकर 87,130 रुपीज़। क्वालिफिकेशन है BSc। इसके लिए BSc हॉर्टिकल्चर वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर उसके इक्विवेलेंट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा यहाँ पर 18 से 42 साल है। जॉब लोकेशन है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर अप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस है 250 रुपीज़, वहीं जनरल OBC के लिए अप्लीकेशन फीस है 120 रुपये, बाकी सबके लिए बिल्कुल फ्री है। सिलेक्शन बेस्ड है यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट, ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन पर। अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा। अप्लाई करने का डेट है 14 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी के बीच में और यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक शो कर रहा है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें और भी वैकेंसीज बताएं, उससे पहले आज एक गिव अवे क्वेश्चन है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस हैं बाघ, शेर, चीता या फिर गेंडा। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें और आप बन सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट विनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगली वैकेंसी आई है NYKS के डिपार्टमेंट से, यानी कि नेहरू युवा केंद्र संगठन के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर, अकाउंट्स क्लर्क, कम टाइपिस्ट एंड MTS यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ के पोस्ट हैं। टोटल वैकेंसी 228 है, जिसके लिए सैलरी मिलती है कुछ इस प्रकार। पहले पोस्ट के लिए सैलरी मिलती है 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक। सेकंड पोस्ट के लिए यानी कि क्लर्क के पोस्ट के लिए सैलरी मिलती है 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक। वहीं थर्ड पोस्ट यानी कि MTS मल्टी टास्किंग स्टाफ के पोस्ट के लिए सैलरी मिलती है 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक। तो सैलरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलती है।
जो भी लोग ये क्वालिफिकेशंस होल्ड करते हैं उनको जरूर से अप्लाई करना चाहिए। कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आयु सीमा है 28 साल या फिर 18 से 25 साल, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। जॉब लोकेशन रहेगी आपकी ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया से कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 700 है, वहीं जनरल एंड ओबीसी फीमेल के लिए 350 है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएसएम के लिए कोई फीस नहीं है। गर्ल्स को प्रिफ्रेंस दिया गया है तो गर्ल्स को जरूर से अप्लाई करना चाहिए। सिलेक्शन बेस्ड ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन पर अप्लाई मोड ऑनलाइन है और अप्लाई करने का डेट है 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में। और यहाँ पर आप देख सकते हो अप्लाई लिंक। और दोस्तों आज की लास्ट वैकेंसी आई है करेंसी नोट प्रेस के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर सुपरवाइजर एंड वेलफेयर ऑफिसर के पोस्ट हैं, टोटल वैकेंसी 21 ही है। और यहाँ पर सैलरी मिलती है 26,000 से लेकर 1,00,000 के बीच में पहले पोस्ट के लिए, वहीं सेकंड पोस्ट के लिए 29,000 से लेकर 1,10,000 के बीच में। आयु सीमा यहाँ पर 18 से 30 साल है। क्वालिफिकेशन मांगी गई है ग्रेजुएशन की डिग्री, डिप्लोमा या फिर बीटेक की डिग्री। जॉब लोकेशन रहेगी नासिक महाराष्ट्र, ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन फीस यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए 400 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फीस नहीं है। सिलेक्शन बेस्ड है ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट पर, अप्लाई मोड ऑनलाइन रहेगा। अप्लाई करने का डेट है 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच में और अप्लाई लिंक शो कर रहा है।